ये अच्छा हाँ। देखते हैं आखिर इसको हम लोग जो है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और अभी अभी हम लोग जो है कि शारदा नगर में ही आए हुए हैं। इनके यहाँ कोई सांप छुपा हुआ है, लेकिन पता नहीं कि विशाला सांप है या विशेष सांप है, सर्च करने के बाद ही मुझे पता चलेगा। चलिए सर्च कर देखते हैं। तब तक आप मेरे वीडियो पर बने रहे। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों को बचाया जा सके। और मनी जी दिखाइए, इधर जो है ना कि पूरा जो है ना कि थोड़ा सा जंगल झाड़ है, जिसके कारण जो है क्या, और पानी भी लगा हुआ है, तो पानी के कारण जो है कि ऊँचा स्थान पर जो है सांप जो है कि आने की कोशिश करता है, क्योंकि सांप को भी जो है कि पानी से डर लगता है, क्योंकि सांप भी जो है कि पानी में डूब सकता है, जिस तरह से हम इंसान डूब जाते हैं, इसलिए सांप भी जो है कि ऊंचा स्थान पर आना पसंद करता है। और इनका जो है कि सांप का रहने का बहुत अच्छा जगह है, इसलिए आप जो है कि प्रत्येक सवेर में जो है कि मिट्टी तेल का जो है कि छिड़काव जरूर करें। और कहीं चलाया इधर ही है, देखिए। और नो, आइए देखिए, आ जाइए। और बहुत ही लाजवाब ये जो है ना, ये देखिए, यहाँ से दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ से, इसे हम लोग जैसे ही निकालेंगे वैसे ये अपना आहार को जो है कि उगलना चालू कर देगा ये, इसलिए इसे हम लोग जो है कि सही सलामत जो है। और ये देखिए इधर ही जो है सावधानी पूर्वक जो है इसे हम लोग को रेस्क्यू करना होगा। हाँ, ये और नो बच गया बाइट से, क्योंकि तो बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही तेज बाइट करता है। और ये देखिए, और हो सके तो ये अपना हार को जो है कि उगलना चालू करेगा, क्योंकि इसको लगेगा कि हम जब बुरी तरह से फंस चुके हैं, कहीं भाग नहीं पा रहे हैं, तो ये अपने हार को उगलकर जो है कि भागना चालू करता है। और इसे नाग बोलते हैं, इसे कोबरा बोलते हैं, इसे फेटार बोलते हैं, ऐसे ही साइंटिफिक नेम में हम लोग नाजा नाजा बोलते हैं। और ब्लैक चीज जो है कि इसको जो है कि बहुत ही आकर्षित करता है, और ब्लैक चीज पे जो है कि हमेशा जो है कि बाइट करने की कोशिश करता है। ये देख सकते हैं किस तरह से बाइट करने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये देखिए इस पर जो है कि एकदम बाइट करने के लिए कोशिश करते रहते हैं हमेशा। और छोटा सांप में जो होता है ना, छोटा सांप होता है तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी मूवमेंट जो है कि अपना करने लगता है, जिसके कारण अधिकतर लोग जो है कि छोटा सांप को ही समझकर जो है कि छोटा है, इसलिए अधिकतर लोग हमेशा जो है कि धोखा खा जाते हैं और इसके साथ गलती हो जाते हैं और घटना भी घट जाता है। जान लीजिए ये सांप जो है कि इसको हम लोग कोबरा बोलते हैं, और इस सांप में जो है कि न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और आदमी न्यूरोटॉक्सिन, जी हाँ, न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जो आदमी को काट ले तो 2 घंटे के अंदर में अगर सही उपचार नहीं होता है तो मौत निश्चित है। इसलिए इस सांप को जो है कि जब भी काटे तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सीधा प्रभात तारा हॉस्पिटल जाना है। और ये सांप जो है ना कि अभी एक छोटा सा अपना आहार चूहा जो होता है कि चूहा खा लिया, ये देख सकते हैं कि अपने मुख के आहार से कितना बड़ा, रुक जाइए, और ये उगलना चालू कर दे रहा है, ये अपना हार निकालने के फिराक में लग रहे हैं, हम देख सकते हैं। और ये अपना आहार जो है कि अब इस पर उगल देगा, इस पर रख देते हैं ताकि घर गंदा ना हो। और ये देखिए किस तरह से अपना आहार को जो है कि अब लिगल कर उगलना चालू कर देता है, इसलिए उगलना चालू करता है कि ये जो है कि भागने के फिराक में, कि ये जब आहार जब ये अपने मुख से जब उगल देगा तो ये बहुत ही तेजी से जो है कि इसको लगता है कि हम आहार खाए हुए हैं, खाना खाए हुए हैं, जिसके कारण पेट भारी हो जाता है, जो ठीक से नहीं चल पाता है। उसके बाद हम लोग जब इसको हैंड से पकड़ना चालू करते हैं तो ये अपने आहार को जो है कि उगलना चालू कर देता है, ताकि ये जो है कि तेजी से भाग सके। नहीं, अब ये निगल नहीं सकता है क्योंकि ये आहार को जो है कि उगलना चालू कर दिया। और ये देख सकते हैं कि पूरा जो है कि हार उगलने के बाद कैसा हो गया, मेढक, छोटा मेढक जो होता है। और ये नहीं अभी है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है।
चलिए ढक्कन में छेद कर दिए है ना। चलिए लाइए इधर, लाइए तुम मनी जी। एक छेद किए हैं। हाँ एक ही छेद काटिए है। चलिए आप देखें कि ये मेढक खाए हुआ था, और पता नहीं ये टोन फ्रॉक है कि कोई दूसरा है, मुझे तो वैसा ही लग रहा है। कॉमन फ्रॉक नहीं, कॉमन फ्रॉक नहीं, ये टोन फ्रॉक की तरह जो है तो मुझे दिख रहा है, और लेकिन एक घंटे के बाद पता चलेगा कि इस सांप के साथ क्या हो रहा है, इस सांप पे विष लगा है इसका मेढक का कि नहीं। लेकिन इसके विष से तो मेढक मर गया है। अब टोन फ्रॉक के विष से क्या होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस मेढक में जो है ना कि देखिए फेन के तरह जो है कि दिख रहा होगा, यही इसमें खासियत है कि ये फेन को जो है ना कि ये इसका जहर होता है, और ये जहर जो है ना कि सांप को भी जो है कि मारने की शक्ति रखता है। लेकिन देखते हैं ये टोन फ्रॉक है या कोई दूसरा है। टोन फ्रॉक होगा तो पक्का ये सांप भी जो है कि इस मेढक के साथ साथ मर जाएगा। चलिए और आ गए हम लोग यहाँ पे, इसको रेस्क्यू भी कर लिए, और हमारे व्यूअर लोग जो है कि बहुत परेशान भी करते हैं, तो हम इन लोग को बता दें कि आप जब फ़ोन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम घर पे बैठे रहते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं रेस्क्यू करने के लिए, तो हम यहाँ से रेस्क्यू करने के बाद ही कहीं पे हम जाएंगे, कहीं से फ़ोन आते रहे या नहीं आते रहे, ऐसा नहीं होगा कि हम आपके यहाँ जो है कि देख लिए सांप, अच्छा ठीक है देख लिए हैं, हम आ रहे हैं दौड़ के फिर गए दौड़ के वहाँ देख लिए, यहाँ देख लिए आपका भी सांप हम देख लिए, वहाँ गए दौड़ के वहाँ भी देख लिए, ऐसा होता नहीं है। तो आपके यहाँ आए तो रेस्क्यू कर कर ही हम कहीं और जाएंगे। चलिए ठीक है, और इस सांप को हम लोग रेस्क्यू कर लिए सही सलामत, इसको जंगल में जाकर छोड़ देंगे। वीडियो मेरा पसंद है तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों को बचाया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।